हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एरर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 12.60 के आसपास काम कर रहा है। एक दिन की जबरदस्त बढ़त लगभग 8% के आसपास में, और उसके बाद कंटिन्यूसली 5%, 3%, 2% का फॉल देखने को मिल रहा है। बढ़िया है, अगर इंडिया विक्स के अंदर में फॉल देखने को मिल जाए तो पैनिक थोड़ा मार्केट में कम होता है या वोलाटाइलाइजेशन कम होने के चांसेस होते हैं। निफ्टी लगभग 16,238 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है, और बैंक निफ्टी 35,809 के आसपास में। एक चीज जो पिछले कुछ दिनों से हम रोज डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम के अंदर में नहीं है, आज निफ्टी फ्यूचर भी आपको ठीक ठाक प्रीमियम में देखने को मिलेगा। कितना प्रीमियम होगा? लगभग 31.29 पॉइंट्स के आसपास का कुछ प्रीमियम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बैंक निफ्टी का भी प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और आप इसे लगभग 190 पॉइंट्स के आसपास में काउंट कर सकते हैं। क्यों हो रहा है प्रीमियम? आप देख सकते हैं निफ्टी में 56 पॉइंट्स का फॉल है और निफ्टी फ्यूचर में सिर्फ 33 पॉइंट्स का। इवन बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट्स का फॉल है और बैंक निफ्टी 47 पॉइंट फ्यूचर जो है बढ़ते हुए नजर आए। तो डेफिनेटली प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आए, पॉजिटिव है, अच्छी बात है। निफ्टी साइडवेज मूवमेंट 16,200 रेजिस्टेंस के हिसाब से, नीचे की तरफ सपोर्ट के हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहा है, और बैंक निफ्टी 35,800 और 700 को बार बार टच करता हुआ नजर आ रहा है। सो आगे के जब चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे के वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इन लेवल्स को अभी भी रिस्पेक्ट करेगा या तोड़ेगा, तो कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। पहले देख लेते हैं हमने पोजीशंस कौन सी बनाई हुई थी। 35,800 का कॉल ऑप्शन हमने बाय इनिशिएट किया था। अच्छा, ये क्यों इनिशिएट किया था? क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट वोलाटाइल होगा और मार्केट के अंदर में थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। हुआ भी, अराउंड हमने 350 के आसपास में बाय किया था। इट मूव्ड अप टिल 400, लेकिन फिर नीचे आके हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने ट्रेल करके 365 पे कर दिया था, उसे हिट करता हुआ नजर आया। कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप ऐसे मार्केट में जब साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है और आप ऑप्शन बायर हो, तो उस टाइम पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और जब रिस्क बहुत ज्यादा होता है तो समझदारी इसी में कि पोजीशन खाली कर दी जाए, क्योंकि बाद में हमने इसे लोअर लेवल पे भी जाते हुए देखा उस पर्टिकुलर डे में। सो अगस्त के अंदर में अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है फिलहाल, लेकिन 7,400 रुपीज तक का प्रॉफिट हमने कमा लिया हुआ है। अप्रॉक्सिमेटली 2 लॉट के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से 7,66,000 के आसपास का टोटल प्रॉफिट है। एंड डेफिनेटली जैसा मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, कोशिश रहेगी कि अगस्त महीने के अंदर में 8 लाख रुपए क्रॉस कर जाए। अभी तक हमने जो भी ट्रेड शेयर किया, लगभग 74% प्रॉफिट, या आप बोलिए 74% सक्सेस रेशियो वहां पे देखने को मिला हुआ है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, यूट्यूब पे या तो व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो www.smartinvestclub.com पे आप विजिट कर सकते हैं, ताकि इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए आपको। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग वीडियोस के अंदर में, 3 डिफरेंट वीडियोस के अंदर में समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी किस तरह की चाल दिखा सकता है या कौन से लेवल्स पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। सेम बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड एट द सेम टाइम डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, मंडे की शुरुआत कैसे हो सकती है, और मंडे के दिन में काम करने के लिए हमें किस तरह का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। इन सब चीजों के बारे में आगे की वीडियोज में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं चार्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव डेटा के बारे में। FII की लॉन्ग पोजीशन 66.30 पे आ गई है, जो पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली कम होते हुए नजर आ रही थी। उसके पहले 2 दिन अगर आप देखें तो आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, और उस ब्रेकआउट के साथ में FII की लॉन्ग पोजीशन ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आई थी, बट प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। हुआ यह है कि फ्यूचर्स के अंदर में लॉन्ग पोजीशंस को कम किया गया है और शॉर्ट्स को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ये शॉर्ट को थोड़ा बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ आपको कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि 16,350 का जो लेवल है वहाँ पे हम अटकते हुए नजर आ सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। सो जिस तरह का डेटा दिख रहा है, डेटा ये इंडिकेट कर रहा है ऊपर के लेवल्स अगर मिलते हैं तो एक बार शॉर्ट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में पिछले 2-3 दिनों में जो हरियाली देखने को मिली थी वो गायब होते हुए नजर आ रही है। 589 करोड़ का आप यहाँ पे राइटिंग की गई है, यानी आप ऐसा बोलिए शॉर्ट बनाया गया है। स्टॉक फ्यूचर में लगभग 828 करोड़ की बिकवाली की गई है। दोनों अगर मिला के देखेंगे तो आपको लगभग 1400 करोड़ के आसपास की बिकवाली डेरिवेटिव डेटा के अंदर में देखने को मिल रही है। स्टॉक फ्यूचर में डेरिवेटिव के अंदर में अगर आप मंथ के स्टार्टिंग में सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपका व्यू थोड़ा सा निगेटिव है।
और ये हमने जुलाई मंथ में भी देखा था, जुलाई मंथ में भी स्टार्टिंग में थोड़ी सी राइटिंग या थोड़ा सा सेल होते हुए नजर आया था, और जुलाई पूरा महीना हम रेंज बाउंड होते हुए नजर आए। अगर आप FII का डेटा देखेंगे पूरा जुलाई महीने के लिए, तो अच्छी खासी हमने बिकवाली की हुई है, हमें DII की तरफ से सपोर्ट आ गया था इसलिए फॉल देखने को नहीं मिला, हम साइडवेज हो गए। सो इस तरह से बिकवाली होना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। खरीदारी हो रही तो 474-281 करोड़ की हो रही है, हाँ नीचे थोड़े अच्छे डेटा हैं, लेकिन जो रिसेंट खरीदारी है उसकी बात कर रहा हूँ, 828 करोड़ की बिकवाली एक बड़ा फिगर है, और FII का डेटा इसके चलते हुए 1400 करोड़ रुपये को ऐड करता हूँ तो मैं निगेटिव मान रहा हूँ। साथ में 69 करोड़ की मामूली बिकवाली है FII की तरफ से, थोड़ा सा हाथ थमते हुए रुका हुआ है, लेकिन ये भी 1400 करोड़ में ऐड ही हो जाएगा। सो आप लगभग 1400 कुछ प्लस यहाँ पे होंगे, 89 कर तो 1420 करोड़ के आसपास होंगे, और इसे ऐड कर लेंगे तो लगभग 1500 करोड़ के आसपास जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, DII की तरफ से 631 करोड़ की अच्छी खासी बिकवाली हुई है। सो डेटा जो कल की शुरुआत के लिए वो थोड़ा सा आपको निगेटिव वाला दिख रहा है। अगर बात करेंगे पुट कॉल रेशियो की, 1.40 ठीक है, 0.87 बैंक निफ्टी ये भी ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर रहा है कि हम ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। सो पुट कॉल रेशियो में भी कमी होते हुए नजर आई है, मार्केट भी गिरता हुआ नजर, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा निफ्टी लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गिरा है, फिर भी यहाँ पे कमी होते हुए नजर आ रही है। तो कल की शुरुआत करने के लिए क्या है आपके पास में, FII और DII दोनों निगेटिव हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये दोनों निगेटिव है। इंडिया विक्स कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है, तो वहाँ पे आप एक पॉजिटिव इंडिकेशन ले सकते हैं। अब पुट कॉल रेशियो देखना है, कैसे देखें, पुट कॉल रेशियो 1.40 के आसपास में मिड में, एकदम मिड रेंज के अंदर में, जब 1.60 पे था तो भी मिड रेंज था, 1.40 भी मिड रेंज में, ना ही ओवरबॉट ना ही ओवरसोल्ड कंडीशन में, यहाँ से आइदर साइड मूवमेंट होने के पूरे चांसेस बनते हैं। और अगर ऐसा माहौल दिखता है तो क्या करना चाहिए, चार्ट के ऊपर में नज़र रखनी चाहिए, ऑप्शन चेन के ऊपर में नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लेबल्स के आसपास में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेते हुए देखें, आप ले तो अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड आपको ले लेना चाहिए। सो पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, आप कॉशियस से हटा के मैं इसे न्यूट्रल बोलूंगा, यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ मिलेंगे 1.20-1.10 तो एक बार बाइंग बनती है, ऊपर की तरफ जाते हैं 1.65-1.70 तो एक बार शॉर्ट करना बनता है। तो कल की शुरुआत के लिए आपका ये डेटा इंडिकेट कर रहा है। SGX निफ्टी के बारे में बात करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि आजकल SGX निफ्टी कुछ और दिखाता है, हम ओपनिंग कहीं और करते हैं, लेकिन फिर भी SGX निफ्टी अगर देखें पिछले कुछ दिनों, सॉरी फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से SGX निफ्टी आई थिंक डबल डिजिट में ही है, कुछ 19-20 पॉइंट का ही फॉल है, तो लेट मी जस्ट कन्फर्म इट, 19-20 का ही पॉइंट का फॉल आई फील होना चाहिए यहाँ पे। सो वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता हुआ नज़र नहीं आएगा कल के दिन में। महाराष्ट्र अनलॉक एक पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए नज़र आ रही है फिलहाल। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने एक SBIN के अंदर में एक ट्रेड इनिशिएट किया था, हमने कल के वीडियो में यानी थर्सडे की वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, वो टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आया। दो और स्टॉक है जिसके बारे में बात करना चाहिए डेरिवेटिव डेटा के अंदर में, AUM बैंक, यहाँ पे थोड़ी सी वोलाटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैं ऊपर की तरफ 1295 और नीचे की तरफ 1195 के लेबल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसे ट्रेड कैसे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, इसे ट्रेड करने के लिए बढ़िया आप स्ट्रैंगल के अंदर में काम कर सकते हैं। अगर 1250 के आसपास में ओपन होता है, सो 1240 होगा और 1260 होगा, इसे बाय करके काम कह सकता है। दोनों के रेट मेरे ख्याल से 50 रुपये के आसपास में है, कल थोड़े कम रहेंगे, कल के कि दो दिन का गैप के बाद में ओपन होगा, तो एक स्ट्रैंगल बना के आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ AU बैंक की, मैं दो तीन दिन के अंदर में ये लेबल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1295-1195 देखने को दोनों में से एक भी मिल सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटाइलाइजेशन हो सकता है। स्टार के बारे में बात करें, स्टार काफ़ी करेक्शन दे चुका है, अगर आप टॉप लेवल की बात करें लगभग 1000 के आसपास में गया था और वहाँ से 732 के आसपास आ गया है। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये 700 तोड़ेगा, अगर ये 700 तोड़ता है तो तकलीफ है, लेकिन 700 फिलहाल ऐसे कुछ सिम्टम्स बनते हुए या साइन बनते हुए नहीं दिखे। दो हम आप बोल सकते हैं कि अच्छे वॉल्यूम के साथ में बिकवाली हुई है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है। इन लेवल्स के आसपास में भी अगर आपको बाय करना है तो आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं, 732 पे काम कर रहा है, 700 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मैं बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 758 के ऊपर काम करना चालू करेगा और जो टारगेट बनेगा वो 825 के आसपास में बनता हुआ नजर आएगा। ये स्पॉट लेवल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पॉट लेवल्स। तो ये दो स्टॉक के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, नजर रहेगी इन दोनों स्टॉक के ऊपर में इस हफ्ते के अंदर में कि काम करते हुए नजर आ सकते हैं। पहला टारगेट 758, दूसरा टारगेट 825 के आसपास बनेगा स्टार के अंदर में। सो दिस इज ऑल अबाउट
दिस वीडियो। होप आपको वीडियो या व्यू पसंद आया रहेगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।